कुंभ है, इसी कुंभ के समय आप यहाँ विराजमान हुए हैं। आप संसार को दर्शन दें और हमेशा हर समय यही विराजमान रहें। भगवान भोलेनाथ एक दिव्य रूप में वहीं विराजमान हो गए। बोल त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय हो। ये त्र्यंबकेश्वर भगवान का ज्योतिर्लिंग वहीं प्रकट हो गया। कहते हैं एक समय रावण ने भयंकर भगवान भोलेनाथ की तपस्या की। रावण जैसा कोई अति तो हो ही नहीं सकता था। रावण का मतलब क्या होता है? रावण एक व्यक्ति का नाम है, अलग विषय। रावण एक पदवी। रावण का मतलब जो ठान ले सो करे, उसे रावण कहते हैं। रावण का मतलब राक्षस नहीं, रावण का मतलब उस जिसने निश्चित कर लिया मुझे ये करना है तो करना ही है, उसे कहते हैं रावण। रावण की तपस्या कौन कर सकता है? हम लोग रावण तो जला देते हैं, बुराई है, पर रावण जैसी तपस्या तो देखो। रावण ने भगवान भोलेनाथ की, भोलेनाथ का इतना अनन्य भक्त था रावण, कहना ही क्या। सायंकाल के समय जब प्रदोष काल होता है ना, प्रदोष काल के समय रावण के द्वारा जो रचित शिव तांडव स्तोत्र है, जटा कटा हसम ब्रमम बिलम, ये जो रावण द्वारा स्थापित शिव तांडव स्तोत्र है, इस शिव तांडव स्तोत्र का जो पाठ करता है उसको क्या फल मिलता है जानते हैं? पूजा बसान समये दस वक्त्र गीतम इदम रावणम। रावण अपने दस मुख से ये गीत गाता था। या संभु पूजन मिदम पटती प्रदोषे। जब प्रदोष काल में शंकर जी की पूजा, जो प्रदोष व्रत करते हैं, प्रदोष काल में शंकर जी की पूजा सायंकाल की गोधूली बेला में पूजा होती है, और जो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करता है उसको क्या फल मिलता है? तस्यास्तिरम रत गजेंद्र तुरंग युक्तम। उसके घर में स्थिर लक्ष्मी, लक्ष्मी सदैव सुमुखे, सन्मुख लक्ष्मी का निवास होता है। प्रतिदात शंभु, शंकर प्रदान कर देते हैं।